हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष एंड वेलकम टू इंडियन ड्राइविंग स्कूल। गाइस, आज मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में कि मान लीजिए, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा उसमें भी टैगलाइन में, कि मान लीजिए आपके ब्रेक खराब हो जाते हैं गाड़ी के, ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में आप गाड़ी को कैसे रोक सकते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी की स्पीड है 30 की, ठीक है, तो एक चीज है, आप अगर आप नॉर्मल, अगर आपका सिर्फ ये वाला ब्रेक खराब है जो आगे वाले फ्रंट ब्रेक्स होते हैं, तो आप जो है आपका हैंड ब्रेक यूज करके भी गाड़ी को रोक सकते हैं। सिंपल क्या करना है आपको, क्लच दबाना है या फिर सिंपल आप गियर में भी रख सकते हैं एंड बटन को दबा के हल्का हल्का धीरे धीरे आप इसको पुल करेंगे। बस आपको ये क्या करना है, आपको क्लच दबा के जब आपको ब्रेक लेने हैं, जैसे कि मैं ब्रेक दबा रहा था गलती से, अगर आपको ये पुल करना है एक बार, फिर दोबारा पुल करोगे तो गाड़ी रुकेगी और उसके बाद फिर फाइनल लगाओगे। अगर आप डायरेक्टली इसको खींच दोगे ऐसे ही, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी गाड़ी के स्किड होने के भी चांसेस हैं। कम स्पीड में ऐसा नहीं होगा कि आपकी गाड़ी स्किड हो जाएगी, लेकिन आप अगर आपकी गाड़ी की स्पीड पहले ही कम हो रखी है, ठीक है, 40-50 के ऊपर आपको ऐसा पता चल रहा है, तो आप डायरेक्टली हैंड ब्रेक यूज कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आपको अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में लाना है एंड उसके बाद अपनी हैंड ब्रेक को यूज करना है, ठीक है, सिंपली क्लच दबा के भी आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी है थोड़ी सी हाई स्पीड पे, आप हाईवे पे चल रहे हैं 70, 80, 90 इतनी कुछ आपकी स्पीड है गाड़ी की, ठीक है, तो अब आप कैसे रोकेंगे गाड़ी को। एंड बाय एनी चांस अगर आपका लक इतना ज्यादा खराब है कि आपका हैंड ब्रेक भी खराब हो रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है गाइस, अगर आप मान लीजिए हाईवे के ऊपर है और अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो रखे हैं, तो बिल्कुल घबराए ना, एक बार थोड़ा सा रिलैक्स करें एंड कभी भी हैंड ब्रेक को डायरेक्टली पुल ना करें। उस केस में आपकी गाड़ी जो है बहुत ज्यादा स्किड करेगी हाई स्पीड के ऊपर एंड बहुत ही ज्यादा चांसेस होंगे आपकी गाड़ी के ठुकने के इधर उधर, ठीक है। तो उस केस में सिर्फ आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपकी जो गाड़ी है उसका हैंड ब्रेक नहीं पुल करना आपको किसी भी हालत में, ठीक है। तो अब एक बार मैं नॉर्मल सी सड़क पे जाता हूँ जहां पे मैं वो चीज ट्राई कर पाऊं। अब सामने मेरे रोड है, मैंने ली है स्पीड थोड़ी सी, मान लीजिए मैं आ जाता हूँ फोर्थ गियर 60 एंड फिफ्थ गियर पे हूँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको ब्रेक भी नहीं लेना एंड आपको हैंड ब्रेक भी नहीं यूज करना, तब आप गाड़ी को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप यूज करेंगे इंजन ब्रेकिंग एंड गियर्स का, ठीक है। अब मैं हूँ मान लीजिए 50 पे, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा फोर्थ गियर, गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी कम होगी, थर्ड गियर, ठीक है, अब मैं लगाऊंगा सेकंड गियर 40 की स्पीड पे एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा लगाऊंगा फर्स्ट गियर एंड क्लच छोड़ूंगा धीरे धीरे। अब मेरी गाड़ी आ गई बिल्कुल 0 पे, 10 पे, धीरे धीरे चलेगी बिल्कुल, ठीक है। क्लच मैंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया एंड मैंने कोई ब्रेक यूज नहीं किया एंड गाड़ी को मैंने ला दिया था स्टॉप पोजीशन पे, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से इसको यूज करके बताऊंगा आपको थोड़ी सी ज्यादा स्पीड में से, ठीक है, बिकॉज ये चंडीगढ़ के थोड़े से मेरे रोड्स हैं, इनमें यार बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे मैं हाई स्पीड कवर नहीं कर पाता, थोड़ा सा मुझे लगता है पहले ही स्पीड गेन करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं वो चीज कर पाऊंगा। और अभी थोड़ा सा टाइम भी है ट्रैफिक का, आई डोंट वॉन्ट कि मतलब मेरी वजह से किसी और बंदे को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो वीडियो बनाने की वजह से, ठीक है। तो स्टिल आई एम ट्राइंग इट फॉर यू, लाइक अब मेरी स्पीड मान लीजिए मैं पहले गेन करूंगा 80 की, लेट सपोज मैं हूं अभी 70 पे एंड अब मैं आ जाता हूं 75 to 80 पे, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए पता चलता है कि मेरे ब्रेक खराब है हाईवे पे, पहले तो मैं छोड़ूंगा रेस, फिर मैं लगाऊंगा फोर्थ गियर, फिर उसके साथ ही मैं लगाऊंगा थर्ड गियर, फिर मैं लगाऊंगा सेकंड गियर और क्लच छोड़ूंगा धीरे धीरे, जब तक मेरी स्पीड आ जाएगी 40 पे, ठीक है, तब मैं लगाऊंगा फर्स्ट गियर एंड फिर मैं क्लच छोड़ूंगा धीरे धीरे, अब मेरी गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, ठीक है। इसमें आपके गियर्स को नुकसान जरूर पहुंचता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं अगर आप क्लच को छोड़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और मैं चीज क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए आपकी स्पीड होगी थोड़ी सी ज्यादा, आपको रुकने में फिर भी परेशानी आ रही है, तो मैं फिर क्लच एकदम से छोड़ूंगा,
फिर क्लच एकदम से छोड़ूंगा तो आपकी गाड़ी झटके लेगी, लेकिन आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी इस चीज से, और आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग भी मिल सकती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, होपफुली आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। एंड इमरजेंसी सिचुएशन में कभी भी पैनिक ना करें, अगर आप पैनिक करके हैंड ब्रेक पुल करेंगे तो आपकी जो सिचुएशन है वो ज्यादा रिस्की हो सकती है। अगर इसके साथ साथ मान लीजिए मेरी स्पीड होती 70-60 की, मैं इंजन ब्रेकिंग के साथ अपना हैंड ब्रेक भी पुल करता रहता हूँ साथ में, मान लीजिए मैं लगाऊंगा थर्ड गियर, ठीक है, फिर बीच में मान लीजिए मेरे को लगाना है अब सेकंड गियर, मैंने सेकंड गियर लगाया एंड मैंने हैंड ब्रेक भी पुल कर दिया, फिर मैंने हैंड ब्रेक छोड़ा, फिर मैंने फर्स्ट गियर लगाया एंड दोबारा हैंड ब्रेक भी पुल कर दिया। तो ये जो चीज़ है इससे आपकी गाड़ी बहुत ही ईजिली रुक जाएगी। सो ये जो ट्रिक है आप हैंड ब्रेक के साथ भी यूज कर सकते हैं, इंजन ब्रेकिंग वाली, एंड नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही, होपफुली आपको ये चीज या ट्रिक जो भी है आपको पसंद आई होगी, आप इसको यूज कर सकते हैं हाईवे के ऊपर भी। एंड पैनिक ना हो, लास्ट एंड फर्स्ट चीज सिर्फ और यही है कि घबराए ना अगर आपके ब्रेक फेल हो गए हैं, आप गाड़ी फिर भी रोक सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना ब्रेक यूज किए, बिना हैंड ब्रेक यूज किए आप गाड़ी को रोक सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक करें, आई विल रियली अप्रिशिएटेड। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद भी आई, अगर नहीं आई है तो प्लीज आप क्या चीज में इंप्रूव करूं वो भी चीज मुझे जरूर बताएं ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उस चीज को कवर कर सकूं। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू सेंड डायरेक्ट मैसेजेस, एंड ड्राइव सेफ, पीस।